अभी वर्ल्ड कप इस बार कितना अच्छा चल रहा है ना, इंडिया सारे मैच जीत रही है। हाँ यार, भारत का परफॉर्मेंस इस बार काफी अच्छा है, काफी अच्छे मैच खेल रही है बॉलिंग बैटिंग दोनों से। अरे यार, लेकिन ये पाकिस्तान क्यों हार रहा? मैं चाहता हूँ वो जीते, हम लोग फाइनल सेमीफाइनल में फिर से भिड़े, हम लोग उनको हराएं, कितना एडवेंचर आएगा यार। हाँ यार, थ्रिलर तो होगा मैच में। क्यों बता, क्या हुआ तुझे? दुश्मनी किसकी है फिर? मतलब दुश्मनी मतलब? दुश्मनी किसकी है फिर भाई? पाकिस्तान टीम इंडिया आती है, उसका बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत होता है हैदराबाद एयरपोर्ट पे। लोग उनके लिए नारे लगाते हैं, उनके पहले मैच में लोग उनको इतना सपोर्ट करते हैं। विराट कोहली बाबर आजम से हाथ मिला रहे हैं, रोहित शर्मा पाकिस्तान के पेड़ से गले लग रहे हैं, लेकिन लड़ सिर्फ उनसे फौजी रहे हैं। दुश्मनी का सिर्फ फौजियों की है उनसे। अरे यार, ये फिर से शुरू। चुप, बिल्कुल चुप। पर भाई, हम तो उनकी बेइज्जती करते हैं ना दुनिया के सामने, उनको हरा के। अरे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। दुनिया में किसी भी क्रिकेट बोर्ड के पास जब पैसा नहीं होता तो वो बीसीसीआई से कहता है भारत के साथ उसका मैच कराने के लिए, क्योंकि बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। यहाँ उनको बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप मिलती है जिससे उनको पैसा आता है। आज पाकिस्तान के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वो इंडिया के साथ मैच खेल रहा है। उनको बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप मिल रही है, पैसा पीसीबी के पास जा रहा है, पीसीबी से वो पैसा पाकिस्तान के पास जाता है, फिर पाकिस्तान वो पैसा आतंकवाद के लिए फंड करता है, फिर आतंकवादी आके हमारे फौजियों को मारते हैं। हम गुस्सा करते हैं, हम घर पर नामर्दों की तरह बैठ के सिर्फ स्टेटस लगाते हैं, और फिर से वही शुरू होता है। हम नामर्दों की फौज है मेरे भाई, हम टिकट लेकर मैच देखने जा सकते हैं, बंदूक लेकर बॉर्डर पर लड़ने नहीं। पर शायद हम इसका कुछ कर नहीं सकते भाई। इसका कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों का इस बात पे क्या कहना है? क्या मैं सही हूँ या गलत? कमेंट सेक्शन में बताइए।